32nd नाइट फोटोग्राफी विद आईफोन। गाइस, आईफोन के कैमरा का नाइट मोड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप आईफोन के कैमरा के नाइट मोड के साथ में बेस्ट आउटपुट वाले फोटोज क्लिक कर सकते हो। और 90% लोगों को ये पता नहीं है कि जब हम आईफोन से नाइट मोड में फोटो क्लिक करते हैं तो कैसे उसमें 30 सेकंड लेके आए, जिससे आप जब भी आईफोन का नाइट मोड यूज करो तो आप उसकी पूरी पावर, पूरा पोटेंशियल उसका यूज कर पाओगे और एक अच्छी फोटो क्लिक कर पाओगे नाइट में। और मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था जिसमें 30 सेकंड के साथ एक मैंने फोटो क्लिक किया था, और उस वीडियो कुछ कमेंट्स आए थे जो ये बता रहे थे कि आपने फेक वीडियो बनाई है, आईफोन के साथ जब हम फोटो क्लिक करते हैं उसमें सिर्फ 10 सेकंड ही आते हैं। पर नहीं भाई, 30 सेकंड भी आते हैं, जिससे आप एक प्रॉपर नाइट मोड में बेस्ट क्वालिटी की फोटो क्लिक कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने के दो ही मकसद है, जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे 30 सेकंड लाए जाते हैं नाइट मोड में, और दूसरे जो लोग कमेंट करके कह रहे थे कि मैं फेक हूं, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो है, उनको पता चल जाए कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो काफी रिसर्च लगती है, काफी मेहनत लगती है, उसके बाद वीडियो बनाते हैं और फिर भी लोग ऐसा कहे ना, दिल से लगता है भाई। चलो तो अभी पहले आपको सेटिंग बताता हूँ। आपने सेटिंग्स में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपने आना है कैमरा के अंदर। यहाँ पर आपने एक सेटिंग ऑन करनी है, ये है प्रिजर्व सेटिंग। यहाँ पर नाइट मोड ये अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर ले। इसका फायदा ये है कि नाइट में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, जो सेकंड्स आते हैं ऊपर उनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। गाइस, पहले तो आपको बताता हूँ कि नाइट मोड वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर एक आईफोन है और दूसरा एंड्रॉइड फोन है, दोनों हम साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे। ये हमारा ओप्पो रेनो 5 प्रो है और ये हमारा आईफोन 11 है। दोनों नाइट मोड दे के रखा है और इसमें भी 30 सेकंड तक जाता है नाइट मोड, और इसमें भी 30 सेकंड तक जाता है नाइट मोड, जो कि आगे आपको बताऊंगा कैसे जाता है। दोनों ही फोन में एक बात कॉमन है, जब भी आप नाइट मोड को यूज करते हो दोनों ही ऑटोमेटिक लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अगर रूम में लाइट बहुत ज्यादा कम है तो 10 सेकंड ले लेते हैं और बाकी लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अभी बारी आती है टेस्ट की, तो मैं रूम की लाइट बंद करने वाला हूं, यहां पर पूरा अंधेरा हो जाएगा। यहां पर ये लैपटॉप रखा हुआ है, बस इसकी लाइट ऑन रहेगी थोड़ी सी। अभी हमारे रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है और ये हमारा ऊपर की तरफ आईफोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें 10 सेकंड मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहे हैं, और मैं अगर फोन को हटाऊं तो आप देख सकते हो इतना अंधेरा कि कैमरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मेरा लैपटॉप ऑन है तो लैपटॉप से बिल्कुल हल्की सी लाइट निकल के आ रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना अंधेरा है रूम में। यहाँ पर इस साइड कैमरा मैन है, दिखाई नहीं दे रहा अभी। तो यहाँ पर आईफोन से हम फोटो क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 सेकंड आ रहा है मैक्सिमम। तो नॉर्मल जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो हमें 10 सेकंड ही देखने को मिलते हैं। 10 सेकंड के ऊपर एक बार मैं फोटो क्लिक करता हूँ और उसकी आउटपुट देखना। तो ये हमारा फोटो निकल के आ चुका है 10 सेकंड लेने के बाद, कुछ इस तरह का नाइट मोड में फोटो क्लिक किया है, जो कि काफी अच्छा है 10 सेकंड के बाद में भी। एक बार फोटो को फिर से देख लो, तो 10 सेकंड वाला हमारा नाइट मोड का फोटो की आउटपुट आपने देख ली। तो नॉर्मली जो भी आईफोन यूज करता है वो इस तरह के आउटपुट ले पाता है, पर अब आपको बता दूं कि 30 सेकंड कैसे लेके आने हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्राइपॉड चाहिए, या फिर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, आपको अपने फोन को स्टेबल रखना पड़ेगा किसी स्टैंड के ऊपर, या आप कोई भी ऐसा जुगाड़ लगा सकते हो जिससे आपका फोन एकदम स्टेबल रहे और थोड़ा सा भी ना हिले, ये एक बात का आपने ध्यान रखना है। तो अभी मैं आईफोन को ट्राइपॉड के ऊपर लगा देता हूँ। तो अब हमारा आईफोन ट्राइपॉड के ऊपर लग चुका है और सेम लाइटिंग कंडीशन की तरफ हम फिर से जाएंगे। अभी हम सेम लाइटिंग कंडीशन में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 30 सेकंड लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि अब हमारा आईफोन जो है वो ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है। एक बार आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आईफोन जो है वो ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है, ये आप देख लो। और अभी मैं लाइट फिर से बंद कर देता हूँ। तो अब हमारी लाइट बंद हो चुकी है और अब जो ये फोटो क्लिक करके देगा ना उसकी आउटपुट बेस्ट आने वाली है। तो अब मैं 30 सेकंड के ऊपर फोटो क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 30 सेकंड आ चुका है और अभी मैं फोटो क्लिक करने वाला हूँ और रूम में पूरा अंधेरा है, बस आपका फोन थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए। तो मैं अभी फोटो क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3। जब आप नाइट मोड में 30 सेकंड ले रहे हो तो पूरे 30 सेकंड लेगा, ये टाइम लगने वाला है फोटो क्लिक होने में। तो आपको ट्राइपॉड के ऊपर छोड़ना पड़ेगा 30 सेकंड के लिए आपका फोन, उसके बाद जो आउटपुट निकल के आएगी ना, अमेजिंग। तो अब हमारे आईफोन ने फोटो को क्लिक कर दिया है और आपको फोटो दिखाता हूँ। तो माय गॉड, क्या आउटपुट निकल के आई है ना निकल। एक बार मैं रूम की लाइट ऑन कर देता हूँ तो अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया 30 सेकंड के बाद, वो इस तरह का फोटो निकल के आया है। काफी अच्छा फोटो क्लिक किया, मतलब पूरे अंधेरे में बहुत इंप्रेसिंग है। और ये पिछला हमारा 10 सेकंड वाला है, तो 30 सेकंड वाला थोड़ा सा बेटर निकल के आया है। तो दोस्तों, अभी आपको इतना पता चल चुका होगा कि 30 सेकंड वाला फोटो कैसे क्लिक किया जाता है आईफोन में। और अब बारी आती है एंड्रॉइड फोन और आईफोन दोनों का हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे सेम लाइटिंग कंडीशन में। एक बार आपको लाइट में दिखा देता हूँ, ये वाला हमारा एंड्रॉइड फोन है और दूसरी साइड हमारा आईफोन है। और अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है और दोनों में हम एक साथ फोटो क्लिक करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर दोनों फोन हमारे 30 सेकंड ले रहे हैं। यहाँ पर 32 लिखा हुआ आया था अपने एंड्रॉइड वाले में, ये 32 सेकंड लेगा। और आईफोन में हमारे 30 सेकंड चल रहे हैं, तो यहाँ पर 16 सेकंड हो चुके हैं। और अभी दोनों ने कंप्लीट कर दिया है। लाइट ऑन करके रिजल्ट्स देखते हैं।
यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं और काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों फोटो मैं आपके स्क्रीन के सामने लगा रहा हूँ और जल्दी से कमेंट करके बता दो कि राइट वाला आईफोन का है या फिर लेफ्ट वाला आईफोन का है। आपने सही गैस किया, राइट वाला हमारा आईफोन है और लेफ्ट वाला हमारा एंड्रॉइड है। पर यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, जो हमने आईफोन के साथ में फोटो क्लिक किया है उसमें आईफोन ने ज्यादा एरिया कवर किया है, हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी ज्यादा है। और एंड्रॉइड फोन की बात करें तो इसमें जो इसने फोटो क्लिक किया है जहां पर लाइट दिखाई दे रही थी इसे, उस जगह पर इसने काफी डिटेल के साथ में काफी अच्छा और शार्प फोटो क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। अब आपका काम बनता है लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ये जरूर बताना कि जो हमने आईफोन से फोटो क्लिक किया था या फिर एंड्रॉइड से, आपको किसका बेटर लगा, क्योंकि हम भी थोड़े कंफ्यूज है क्योंकि डिटेल इसने ज्यादा दी थी और ज्यादा एरिया इसने कवर किया था। और आईफोन में ये आप फायर जैसा लोगो देख रहे हो, ये यहाँ पर ऊपर भी बना हुआ है, ये क्यों बना है ये आप जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारी आईफोन के हिडन फीचर के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिन लोगों के पास आईफोन या फिर एंड्रॉइड वाले देखना चाहते हैं आईफोन के कुछ अमेजिंग फीचर, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।